हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल की बड़ी उम्मीद, जापानी खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जापान की यामागुची को सीधे सेटों में मात दी। सिंधु ने सिर्फ 56 मिनट में जीता मुकाबला। बॉक्सिंग में भारत का एक पदक पक्का, लवलीना ने महिला बॉक्सिंग के 69 किलो वर्ग में मुकाबले में चीनी ताइपे की मुक्केबाज को हराया। सेमीफाइनल में लवलीना का तुर्की की मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन से होगा मुकाबला। मिडिल राउंड में पहुंचने वाली भारत की तीसरी मुक्केबाज बनी। केवल पदक पक्का करने से संतुष्ट नहीं है लवलीना, कहा मेरी नजर गोल्ड मेडल पर है। लवलीना ने मैरी कॉम को बताया अपने लिए प्रेरणा, कहा बॉक्सिंग में आने के बाद सिर्फ मैरी कॉम का नाम सुना। लवलीना की जीत के बाद बोले उनके पिता, जैसा उसने सोचा था वैसा फल मिल रहा है, वो बहुत अच्छा करे। लवलीना के ओलंपिक में पदक पक्का करने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बधाई दी, कहा देश का तिरंगा ओलंपिक में रखें ऊंचा। ओलंपिक बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में पहुंचने पर बॉक्सर लवलीना के गांव में जश्न, लोगों ने नाच गाकर जश्न मनाया। दीपिका का ओलंपिक तीरंदाजी में खिताब जीतने का सपना टूटा, मात्र 6 मिनट में हारी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। महिला हॉकी में भारतीय टीम की शानदार जीत, ग्रुप मुकाबले में आयरलैंड को 1-0 से हराया। 100 मीटर की रेस में दूती चंद ने किया निराश, हीट मुकाबले में 7वें स्थान पर रही, चुनौती खत्म। अविनाश सावले ने टोक्यो ओलंपिक में 3000 मीटर स्टीपल चेज में बनाया नेशनल रिकॉर्ड, फाइनल में जगह बनाने में रहे नाकाम। 25 मीटर एयर पिस्टल में राही सरनोबत को भी मिली शिकस्त, शूटिंग में राही नहीं कर सकी कमाल। CBSE ने घोषित किए 12वीं के नतीजे, 99% छात्र पास, लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी। लगातार दूसरे साल बिना परीक्षा के CBSE के रिजल्ट घोषित, 70,000 छात्रों को 95% और 1,50,000 छात्रों को मिले 90% नंबर। इस साल नहीं जारी होगी छात्रों की मेरिट लिस्ट, करीब 65,000 छात्रों का रिजल्ट 5 अगस्त को जारी होगा। हावड़ा में पानी में फंसी एम्बुलेंस, हार्ट अटैक के बाद मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने कहा 2 अगस्त को प्रधानमंत्री को खत लिखेंगे नीतीश कुमार, जातीय जनगणना के पक्ष में है नीतीश। मेयर की हत्या को लेकर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में कायम हो चुका है महाजंगल राज। इसराइल में बुजुर्गों को कोरोना का बूस्टर डोज लगना शुरू, इसराइल के प्रधानमंत्री ने किया था ऐलान। जापान में ओलंपिक्स के दौरान और बढ़ा कोरोना संकट, जापान के अलावा 4 और जिलों में इमरजेंसी घोषित। बारामूला में आतंकियों ने CRPF पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया, 2 CRPF जवान और 1 आम नागरिक घायल। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पार पहुंची, पानी का स्तर 205 मीटर तक पहुंचा। दिल्ली में यमुना किनारे लोगों को हटाया गया, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। यमुना में खतरे को देखते हुए रेस्क्यू के लिए 52 बोट्स तैयार, अलर्ट पर गोताखोर और SDRF की टीमें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे कोल्हापुर, शिरोल समेत दूसरे इलाकों में बाढ़ से नुकसान का जायजा लिया। कोल्हापुर में दौरे के बीच फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे, दोनों एक ही समय कर रहे थे शाबाड़ी इलाके का दौरा। कोलकाता में भारी बारिश से पैदा हुई जल भराव की समस्या, CK बिरला हॉस्पिटल में कई फीट पानी भरा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद गिरा टीन शेड, करीब आधा दर्जन कारों को नुकसान पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लैंडस्लाइड, चट्टान गिरने के बाद NH 707 पर ट्रैफिक रोका गया। लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद 200 से ज्यादा लोग फंसे, जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए राज्य सरकार से मांगा हेलीकॉप्टर। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी, पहाड़ से चट्टान गिरने से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। लेह लद्दाख में जगह जगह लैंडस्लाइड से रास्ते ब्लॉक हुए, फंसे वाहन, लेह में लगा लंबा ट्रैफिक जाम। किश्तवाड़ में बादल फटने से मची तबाही, स्थानीय लोगों ने कहा हुंजड़ गांव में का मिटा नामो निशान। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में भी लैंडस्लाइड का कहर, चट्टान गिरने से सिलीगुड़ी गैंगटॉक हाईवे बंद। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक गांव में कच्चे मकान की छत गिरने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के हापुड़ में BJP विधायक कमल मलिक की फजीहत, गांव वालों ने रोड पर जमा पानी में चलने को मजबूर किया। 4 साल बाद पहली बार बैठक के लिए हापुड़ के गांव में पहुंचे थे BJP के विधायक, गांव वालों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड से धंसी सड़क, ट्रैफिक पर असर, आसपास के गांव वाले परेशान। उड़ीसा के तितलीगढ़ में गांव वालों ने खुद बनाया पुल, बारिश के दौरान आने जाने में होती थी परेशानी। बिहार के कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या, घात लगाकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मेयर के मर्डर के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, परिवार ने महिला BJP विधायक कविता पासवान के भतीजे समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मेयर के मर्डर पर चिराग पासवान का बयान, बोले बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, LJP के समर्थकों को किया जा रहा है टारगेट। बिहार में EDG ने कहा मेयर मर्डर केस में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, बाकी की तलाशी के लिए छापे जारी। कटिहार में मेयर के मर्डर पर बोले BJP सांसद सुशील मोदी, RJD का जमाना नहीं है, कोई अपराधी नहीं बचेगा। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और दूसरे दलों के विधायक भी साथ। लुधियाना में कांग्रेस कार्यकर्ता ने की खुदकुशी, सुइसाइड से पहले ऑडियो के जरिए लगाया आरोप। दलजीत सिंह हैप्पी की मौत के बाद उनके घर पहुंचे सिद्धू, पार्टी की तरफ से 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान।
हंगामे की भेंट चढ़ी लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। विपक्ष की नारेबाजी के बीच करीब आधे घंटे तक चलता रहा काम, विपक्ष के शोरगुल में नहीं हो सका कामकाज। राज्यसभा में भी हंगामा, कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित। सभापति वेंकैया नायडू ने सीटी बजाए जाने पर आपत्ति जताई। वेंकैया नायडू बोले, सांसद अपनी पुरानी आदतों के कारण बजा रहे होंगे सीटी, सदन के धैर्य की सीमा खत्म ना करें। संसद परिसर में अकाली दल सांसदों का प्रदर्शन जारी। हरसिमरत कौर ने मैं हर रोज दे रही हूं स्थगन प्रस्ताव। प्रहलाद जोशी ने पेगासस मुद्दे को बताया गैर जरूरी, कहा सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास पंजाब कांग्रेस के सांसदों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तीनों काले कानून वापस लेने की मांग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का गहलोत सरकार पर हमला, कहा दो गुटों में बटी सरकार की खेमेबाजी से जनता परेशान। बीजेपी संसदीय दल की बैठक 3 अगस्त को संसद में होगी। संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर बन सकती है रणनीति। राजस्थान सरकार और कांग्रेस संगठन में हो सकता है बड़ा बदलाव। दो दिनों तक विधायकों के साथ रायशुमारी के बाद अजय माकन का बयान। अजय माकन ने कहा कई मंत्रियों ने संगठन में जाने की इच्छा जताई। राज्य कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद दिया बयान। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान कैबिनेट में 10 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। 5 पुराने मंत्रियों को बदला जा सकता है, 5 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। दिल्ली विधानसभा में आज भी हंगामा, बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा पूरे सत्र के लिए निष्कासित, स्पीकर के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा सुनवाई। पत्रकार एन राम समेत कई मशहूर हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। एन राम समेत कई लोगों ने की पेगासस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल, जल्द सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद में जज की संदिग्ध हालात में मौत का संज्ञान लिया। झारखंड के मुख्य सचिव और ADGP से एक हफ्ते में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता को मौजूद रहने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट करता रहेगा जांच की निगरानी। दिल्ली में 2 दिन तक चली यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक के दौरान बांटी गई बुकलेट, यूपी सरकार के कामकाज की जानकारी दी गई। बुकलेट में किसानों के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र, MSP खरीद पर कितने रुपए खर्च हुए इसका भी जिक्र। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की अमित शाह से मुलाकात। मीटिंग के बाद गृहमंत्री ने ट्वीट करके बोम्मई को दी शुभकामनाएं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कैबिनेट में नहीं शामिल होने का फैसला किया, कहा मेरी अंतरात्मा इजाजत नहीं दे रही। शेट्टार को मनाने में जुटे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई फोन पर बात की, मुलाकात भी करेंगे और पार्टी नेतृत्व से शेट्टार के मुद्दे पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण के लिए लोगों से सुझाव मांगे। PMO ने ट्वीट करके कहा आपकी राय लाल किले की प्राचीर से गूंजेगी। जम्मू कश्मीर के सांबा में 3 जगहों पर ड्रोन दिखे। गुरुवार रात करीब 3 जगहों पर एक ही वक्त पर ड्रोन देखे गए। BSF की टीम की फायरिंग के बाद ड्रोन लौटे। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में इंडिपेंडेंस डे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने की बैठक की अध्यक्षता। असम मिजोरम बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच असम सरकार के एडवाइजरी, अपने राज्य के लोगों को मिजोरम न जाने को कहा। असम के मंत्री अशोक सिंघल का बड़ा आरोप, कहा बॉर्डर पर अब भी हथियारों के साथ घूम रहे हैं मिजोरम के लोग, दिए जा रहे हैं भड़काऊ बयान। गोवा में गैंगरेप के मुद्दे पर सियासत जारी। पूर्व डिप्टी CM विजय सरदेसाई ने मुख्यमंत्री सावंत से माफी मांगने को कहा। रेप पर अपने बयान के पर हुए बवाल के बाद गोवा के मुख्यमंत्री की सफाई, कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। 28-29 जुलाई को बाल्टिक सागर में इंडियन नेवी और रूसी नौसेना ने किया अभ्यास। रूसी नेवी ने के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लेगा INS ताबर। देश में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी, एक दिन में 44,000 से ज्यादा मामले, 555 मरीजों की जान गई। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज की हो सकती है मिक्सिंग। CDSCO एक्सपर्ट पैनल ने की ट्रायल को मंजूरी देने की सिफारिश। केरल में बढ़ते कोरोना केसेस पर राहुल गांधी ने जताई चिंता, लोगों से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं, 51 नए मामले आए। यूपी में एक दिन के अंदर मिले कोरोना के 42 मामले, 24 घंटे में 91 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर लौटे। आगरा में 9 मरीजों को दोबारा हुआ ब्लैक फंगस, डॉक्टर्स ने मरीजों की लापरवाही को वजह बताया। दिल्ली से लखनऊ पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने बुलाई कोरोना पर मीटिंग, तीसरी लहर की तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में कोवैक्सीन की कमी, पहली डोज के लिए 1 महीने से नहीं मिल रही है वैक्सीन। इसराइल में बुजुर्गों को रविवार से लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, प्रधानमंत्री निफ्ताली बेनेट का ऐलान। भारत से बांग्लादेश पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 200 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर जाएगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के पुणे में मेट्रो के ट्रायल का शुभारंभ, बनाज से आइडियल कॉलोनी तक चलाई गई मेट्रो। भारत श्रीलंका T20 मैच में सट्टा लगाने वाले 4 लोगों को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 8 तमंचे 24 जिंदा कारतूस बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी में एम्बुलेंस ड्राइवर्स की हड़ताल पर सरकार सख्त, जिलाधिकारियों को नए ड्राइवर से एम्बुलेंस चलवाने का ऑर्डर। MP के खरगोन में पूर्व नेशनल महिला फुटबॉल प्लेयर भावना धनगर ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में मौसम ने मचाई तबाही, ऑटो डीलरशिप की इमारत गिरी, हादसे में 5 लोग घायल, तूफान ने गिराया पेड़, उड़ाया मलबा।
दक्षिण अर्जेंटीना के एक शहर में लगून का रंग बदलकर हुआ पिंक, पास के औद्योगिक पार्क से आए कचरे से रंग बदलने का शक। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के दो और क्रिकेटर्स को हुआ कोरोना, यदुवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जयपुर में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, पहले फेज में 296 करोड़ रुपए की आएगी लागत। राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म में फिर दिखेगी शाहरुख खान और काजोल की आइकॉनिक जोड़ी, तापसी पन्नू और विद्या बालन भी निभा सकती हैं अहम किरदार। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।